हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने टिश्यू क्लॉथ से बनाई है और इसमें मैंने दो कलर का साटन का रिबन यूज़ किया है। इसकी मैंने ओपन चोली बनाई है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बड़ी प्यारी सी लगती है। इसमें हमारे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लगेंगे। चलो हम इस तरह की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैं टिश्यू क्लॉथ ले सकती हूँ। टिश्यू क्लॉथ की मैंने चार पट्टियाँ काटी। दो पट्टियाँ तो मैं काटती हूँ इसमें 3.5 इंच की और दो पट्टियाँ काटती हूँ मैं इसमें 4.5 इंच की। ये बड़ी वाली पट्टी मैंने काटी है 4.5 इंच की काटी है। और छोटी वाली पट्टी है जो मैंने काटी है इसमें 3.5 इंच की काटी। और इस पट्टी की लंबाई है 41 इंच की लंबाई है। इस तरह की मैंने ये चार पट्टियाँ काटी हैं। अब इन दोनों पट्टियों को मैं आपस में सिलाई कर लेती हूँ। अब इन दोनों पट्टियों की हम आपस में सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह मैं अपनी दूसरी पट्टी की भी दोनों पट्टियों की सिलाई कर लेती हूँ। हमने दोनों पट्टियों की सिलाई कर ली है। अब हम ये बैठक की सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारे नीचे का हिस्सा होता है जो प्लेन हो जाता है। तो हम दोनों पट्टियों के ऊपर ये बैठक की सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह हमने दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा ली। इस तरह हम अपने दोनों पट्टियों की भी ये सिलाई कर लेते हैं। तो मैंने दोनों पट्टियों सिलाई कर ली हैं। तो हमारी दो पट्टी 3.5 इंच की हो गई और दो पट्टी हमारे 4.5 इंच की हो जाती है। अब हम दो कलर का साटन का रिबन लेते हैं। मैंने रेड और ब्लू कलर का साटन का रिबन लिया है। तो रेड कलर का साटन का रिबन है जो तो मैं बड़ी वाली पट्टी पर लगाऊँगी और ब्लू कलर का मैं छोटी वाली पट्टी पर लगाऊँगी। तो इस साटन के रिबन को हम इस तरह से लगाते हैं। साटन के रिबन को इस तरह आधा टिश्यू क्लॉथ के नीचे लगाते हैं, आधा ऊपर लगाते हैं। तो मैं इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इस तरह इसके सिलाई कर लेते हैं। मैं इस तरह इसकी सिलाई करती हूँ। अब हम साटन के रिबन के बीच में अपने टिश्यू क्लॉथ को लगा लेते हैं। साटन के रिबन के आगे का हिस्सा मोड़ लेते हैं और दूसरे हिस्से को हम इसके ऊपर फोल्ड कर लेते हैं टिश्यू क्लॉथ के ऊपर। इसे इस तरह फोल्ड करके हम इसकी सिलाई कर देते हैं। अब इस तरह हमारी इस पट्टी के ऊपर हम ये रेड कलर का साटन का रिबन लगाते हुए इस पट्टी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लास्ट वाले हिस्से को जैसे हमने शुरू में अपने रिबन को लगाया था वैसे लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अपनी दूसरी पट्टी पर भी हम रिबन लगा लेते हैं। इससे हमने दोनों पट्टियों के ऊपर रिबन लगा लिया। बड़ी वाली पट्टी पर हमने रेड कलर का लगा लिया, छोटी वाली पर मैंने ब्लू कलर का लगा लिया। इन दोनों पट्टियों को हम आपस में एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं इस तरह से। इस तरह दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं और फिर इन दोनों में एक साथ प्लेटें डालेंगे हम। इस तरह से बिल्कुल पास पास में प्लेटें डालनी है हमको। तो इस तरह इसमें मैं पूरी में प्लेटें डाल लेती हूँ। दोनों पट्टियों के बीच में हम पीछे की तरफ से लगभग 1 इंच का गैप लगाते हैं और दोनों पट्टियों के ऊपर से एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमें प्लेट डालने में सुविधा रहती है। दोनों पट्टियों के ऊपर ऊपर की तरफ से एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। नीचे की तरफ दोनों पट्टियों के अंदर 1 इंच का अंतर रखते हैं और पूरी पट्टी पे हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम अपनी दोनों प्लेटें आपस में सिल गई तो हमें प्लेटें डालने में सॉरी दोनों पट्टियां आपस में सिल गई तो हम दोनों पट्टियों पे प्लेटें डाल लेते हैं। ये प्लेटें हम बिल्कुल पास पास डालते हैं। हम दोनों पट्टियों पे बिल्कुल पास पास प्लेटें डालते हुए पूरी पट्टी के अंदर हम प्लेटें डाल लेते हैं। हम ऊपर जो दोनों पट्टियों के ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं उससे हमें प्लेटें डालने में आसानी रहती है। इस तरह हम अपनी पूरी पट्टी पे प्लेटें डाल के इसे कंप्लीट कर लेते हैं।
फिर हमने सभी जगह प्लेटें डाल के इसे कंप्लीट कर लिया। अंदर की तरफ मैंने इसमें थोड़ी सी कैंची से कटाई कर दी है। अब जो हमारे इसमें टिश्यू क्लॉथ के अंदर धागे निकलते रहते हैं, इन्हें अब हम सिक्योर कर लेते हैं, जिससे ना धागे थोड़ा नहीं निकलेंगे। फिर हम इसके अंदर आगे की तरफ नेफा लगाएंगे। इस तरह मैं पूरे को सिक्योर कर लेती हूँ इसे। अब हम अपना घेरा लेते हैं। अब इस घेरे के ऊपर हम इसके चारों तरफ हम रेड कलर के साटन के रिबन का नेफा लगाते हैं। नेफे में लगाने के लिए हम इसे पीछे की तरफ से इसमें रिबन लगाना शुरू करते हैं। तो रिबन को कुछ हम आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखते हैं, जिसे हम सिलाई से भी फोल्ड कर सकते हैं या फिर हम उसे सीधा ही रख सकते हैं। तो हम सीधा ही लगा लेते हैं। उल्टी तरफ से इसे थोड़ा एक्स्ट्रा करते हुए हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। सिलाई करते समय हमें इसकी धीरे धीरे सिलाई करनी रहती है, नीचे से अपनी प्लेटों को सही करते रहते हैं, जिससे हमारी प्लेटें सही रहती हैं, आपस में मुड़ती नहीं है। तो इस तरह मैं इसके पीछे की तरफ से धीरे धीरे इसमें सिलाई कर लेती हूँ। ड्रेस की सिलाई करते हुए हम इसके लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट में भी हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा साटन का रिबन रखते हैं, जैसे हमारे शुरू में था। इस तरह हमारा ये लग जाता है। अब इसके दोनों में हम सिक्योर कर लेते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसे हम कैंची से कट कर देते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर नेफा लगाते हैं तो बड़ा कपड़ा होता है, तो हमारे नेफा लगाने में हमको प्रॉब्लम होती है, तो इसे हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं और इसे बचे हुए हिस्से को हम सिक्योर कर लेते हैं वापस से, जो हम जहाँ जहाँ हम काटते हैं इसके धागे निकलते रहते हैं। इसलिए अब हम इस तरह की एक ये रेशम की डोरी लेते हैं, जिसे हम अपने नेफे के अंदर नेफे की मुड़ाई करते समय नाड़ा लगा देते हैं। इस जगह हम रेशम की डोरी लिए मैंने। आगे के हिस्से को हम इस तरह फोल्ड कर लेती हूँ मैं और इस रेशम की डोरी को साथ में लगाते हुए इसके धीरे धीरे सिलाई करते हैं। तो जब हम इसकी सिलाई करते हैं तो रेशम की डोरी को साइड में रखते हैं, इसका ध्यान रखते हैं कि रेशम की डोरी हमारी सिलाई मशीन की सिलाई में ना आ जाए। सिलाई मशीन की सिलाई में डोरी अगर आ जाती है तो फिर हमारे जब हम अपने नेफे को थोड़ा टाइट करते हैं तो वो खिंचती नहीं है। तो इस तरह मैं इसकी धीरे धीरे मुड़ाई करते हुए ऊपर की तरफ से इसकी पूरी सिलाई कर लेती हूँ। अपनी डोरी को भी हम साथ में लेके चलते हैं, जिससे क्योंकि बाद में इसे डोरी डालने में परेशानी होती है, इसलिए ऊपर की सिलाई करते साथ ही हम डोरी को साथ में लेके चलते हैं। हमें आगे की तरफ जितनी ज़रूरत होती है उतनी डोरी को काट लेते हैं। इस तरह हमारा ये नेफा लग जाता है। हम अपनी गांठ लगा लेते हैं, जितनी हमको ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम खींच के इसे बांध लेते हैं। ये 4 और 5 नंबर के गोपाल की है। चोली बनाने के लिए हम एक 11.5 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी एक पट्टी लेते हैं। इस पट्टी को हम डबल कर लेंगे। इसके दोनों तरफ हम कोई सा भी रिबन, चाहे तो रेड या ब्लू, कोई भी रिबन की दोनों तरफ हम पट्टी लगा लेंगे, जैसे हमने अपनी चोली में लगाई थी। इसी तरह मैं दोनों तरफ इसमें पट्टी लगा लेते। अब अपने चोली के दोनों तरफ भी अपने साटन के रिबन को लगाते हैं। मैंने इसमें रेड कलर का लगाया, आप चाहें तो इसमें ब्लू कलर का भी लगा सकते हैं। टिश्यू क्लॉथ को हम फोल्ड करके फिर लगाते हैं। इस तरह मैं इसमें दोनों तरफ ही अपना रिबन लगा लेती हूँ। अब इसके हम 2 पीस कर लेते हैं। 2 पीस होने के बाद हम अपनी चोली को आगे की तरफ से थोड़ा सा 1 इंच पे सिलाई कर लेते हैं। एक इंच पे मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ।
वापस से अपना रेड कलर का साटन का रिबन लेते हैं, इसे इस तरह फोल्ड करते हुए हम अपनी चोली को इसमें अटैच कर देंगे। तो थोड़ा सा सिलने के बाद जितना पीछे की तरफ रखना उतना रख लेते हैं, फिर हम अपनी चोली को इसके ऊपर अंदर की तरफ सिलाई के साथ दबा देते हैं। तो इसमें बाजू भी, तो पहले पीछे वाले हिस्से को है उसकी हम सिलाई करते हैं, फिर हम आगे वाले हिस्से को इसमें लगा देते हैं जिससे हमारी साइड की बाजू भी बन जाती है। इस तरह हम दोनों तरफ से चोली को सिल लेते हैं, जो हमारी बाजू भी सिल जाती है, अपनी चोली को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमारी ये चोली कंप्लीट हो जाती है। अब इसके दोनों मुंह को हम, चोली कंप्लीट हो गई, अब दोनों इसके दोनों मुंहों ने हम सिक्योर कर लेते हैं। इस तरह हमारी ये चोली भी कंप्लीट हो गई और हमारा घेरा भी कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारा ये ड्रेस है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।